इन्हीं शब्दों के साथ साथ आप बुला रहे हैं तो किसान राम कुमार जाधव जी। गुलाम नबी साहब, जयचूरी जी, अम्बेडकर जी, अरे 6 बजे हमारे सामने सभी सम्मान मैं सबसे पहले सरद जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहूँ। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ भाई, थोड़ा सा दर्द तो थोड़ा साइड को हो गया। उन्होंने बाहर बहुत ठंडा है, बर्फ पड़ रहा है, शक्ल नहीं दिख रही। गांधी विराज बचाने के लिए ये सम्मेलन बुलाया और ऐसे वक्त बुलाया जब ये विरासत सबसे ज्यादा खतरे में है। यहाँ जो 50 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोग बैठे हैं, ये सब जानते हैं कि एक वक्त ऐसा था यार, अरे ओ भैया हाई टैक्स भाई साहब, बैठ जाओ जरा, जाते हो किसी जाति का व्यक्ति हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो या दूसरी जाति हो, अगर उस गांव में कोई किसी भी बिरादरी का रिश्तेदार अथवा मानने पर मान लो किसी का मेहरोई आया तो उसको उसी रूप में सब सम्मान देते थे। अगर ससुराल में आया है लड़का तो चाहे वो दलित हो लेकिन अपर कास्ट के लोग भी और दूसरे लोग भी उसको वही संबोधन देते थे जो ससुराल वाले कोई भेदभाव एकता, ये सारा विरासत का एक आदर्श नमूना था। लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसी ताकतें आई जिन्होंने इसको उसके पास आउट है खत्म करने की कोशिश नहीं। हमारा जो संविधान है जिसकी प्रस्तावना आज सर जी ने यहाँ बर्बादी है वो हमारे संविधान का पूरा निचोड़ है। उसमें जिस सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है उसके वो इसी साझा विरासत को बरकरार रखने के इस देश में तमाम भाषाएं हैं, तमाम संस्कृतियां हैं, इतनी विविधता है, इसके बावजूद एकता है। ये लोगों की पुरानी जो सोच थी उसके कारण भी है और जो बाबा साहब ने हमें संविधान दिया उसके कारण भी है। लेकिन हमें गंभीरता से इस बात पर क्या संविधान की प्रस्तावना में इस सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय का की बात कही गई है वो लोगों को मिल रहा है और अगर ये नहीं मिलेगा याद रखिएगा अगर ये साझा विरासत सही दर्शाते तमाम तरह
जवाब देना होगा जो इस देश को मारने की कोशिश कर रहे हैं। यही एक बात विकल्प हम लोगों के सामने है कि जब तक सब एकजुट होकर हम अपनी साझा विरासत को बचाने का प्रयास नहीं करेंगे तो जितना तेजी से इस पर प्रहार हो रहा है उस देश को तोड़ने के काम की और ऐसे अवसर पर जब देश के सामने गंभीर खतरा हो इस कार्यक्रम को सर जी ने करवाया है मैं उन्हें धन्यवाद देता बधाई देता कि आपने सारी देश के नेताओं को यहाँ इकट्ठा कर दिया और बहुत ही प्रबुद्ध लोग ये सब बैठे हुए हैं ये यहाँ से एक मैसेज लेके जाएंगे जिससे जो विभिन्नकारी लोग जो लोगों के मन में दहशत पैदा करके एक नए किस्म की